जब भी किसी को शुगर होती है ना, तो कोई करेले का जूस पीता है, लौकी का पीता है, नीम की पत्तियां खा लेता है, कोई कोई दवाई खाता है, टैबलेट खाता है, इंसुलिन लगवाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसको किस प्रकार की शुगर है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको शुगर किस प्रकार की है, तो फिर इस दवाई खाने का फायदा क्या है? क्या फायदा है उस दवाई खाने का? क्या फायदा है उस लौकी का जूस पीने का? क्या फायदा है उस करेले का जूस पीने का? क्या फायदा है डॉक्टर बदलने का, जब आपको यही नहीं पता कि आपको शुगर किस प्रकार की? सबसे पहले जो पेशेंट डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है, या फिर कोई भी मरीज है जिसकी शुगर ज्यादा है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे किस प्रकार की शुगर है, तो ये वीडियो देखने के बाद जो टेस्ट मैं बताऊंगा वो आपने जरूर करवाना है, मैंडेटरी है वो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शुगर कितने प्रकार की होती है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। अगर ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं और आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आज आपको ये पता चलने वाला है कि शुगर कितने प्रकार की होती है और कैसे पता करें कि हमें किस प्रकार की शुगर है। देखो, एक प्री डायबिटिक टाइप 1, 1.5 और टाइप 2, राइट? कॉमन तो एक ही होती है, टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 ये कॉमन होते हैं, कॉमन। लेकिन यहां पे मैंने 4 तरह की शुगर बताई है, ठीक है? अब शुरू करते हैं कि पहली प्री डायबिटिक क्या होती है। नॉर्मल रेंज बताता हूं पहले तो मैं। जैसे किसी मरीज को, कोई भी इंसान है जिसको शुगर नहीं है, अगर उसको उसकी शुगर 70 से 110 या फिर 70 से 100 आ जाती है, उसके बीच में आती है, तो उसको शुगर नहीं है, राइट? वो तो हो गया नॉन डायबिटिक, जिसको शुगर नहीं है। और जिसकी शुगर 100 से 125 के बीच में आती है, तो उसको हम बोलेंगे प्री डायबिटिक, यानी कि इसको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुगर तो है, शुगर है पर दवाई खाने की जरूरत नहीं है, राइट? और ये मरीज ऐसे मरीज हैं जिसका पता ही नहीं है, जो टेस्ट ही नहीं करवाते हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार जिसको यही नहीं पता है कि मुझे शुगर है कि नहीं है, या फिर उनको वो प्री डायबिटिक है, 2.5 करोड़ लोग हैं ऐसे जिसको शुगर है प्री डायबिटिक, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उसको शुगर है। टेस्ट करवाएंगे जब भी, तो पता चलेगा ना। हर साल या फिर 6 महीने में एक बार अपना हेल्थ पैकअप जरूर करवाना चाहिए, उसके अंदर शुगर भी होती है, आपको पता चलता जाएगा कि शुगर है कि नहीं। तो ये तो हो गया प्री डायबिटिक, क्लियर हो गया। और ये रिवर्सेबल है, जहां मैंने रिवर्सेबल लिखा है इसका मतलब है कि ये कंट्रोल हो सकती है जिंदगी भर के लिए। थोड़ा सा आपने क्या चेंज करना है, लाइफस्टाइल, डाइटिशियन से मिलके थोड़ी सी डाइट में मॉडिफिकेशन करनी है, यानी कि बदलाव करने हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, जिंदगी भर आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्री डायबिटिक, इसको रिवर्सेबल बोलते हैं, जैसे ऐड आती है ना कई बार कि ये शुगर रिवर्स कर दी है किसी ने, रिवर्स हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, कुछ शुगरें रिवर्स हो सकती है, क्योर नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। रिवर्स क्यों हुई? क्योंकि हमने मैनेज किया है, राइट? उसको बोलते हैं रिवर्सेबल। अब आगे टाइप 1, ठीक है? टाइप 1 ये शुगर कैसे होती है? ऑटो इम्यून बोलते हैं इसको, ऑटो इम्यून के कारण होती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर
जो हमारी पैंक्रियाज है। अब पैंक्रियाज क्या होती है, हमारा यह शरीर है, शरीर के अंदर एक लीवर है, लीवर के पास एक छोटा सा तिल्ली जैसा, जैसे पत्ती होती है पत्ती, जैसे नीम की पत्तियां होती हैं, ऐसे ही एक ऑर्गन होता है, अंग होता है, जिसका नाम है पैंक्रियाज। वहां पे एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है इंसुलिन। वो इंसुलिन ब्लड के अंदर मिलके शुगर को कंट्रोल करता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये मान के चलो कि शुगर को यूटिलाइज करता है, राइट। अब आगे समझ में कि पैंक्रियाज क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, कैसे कंट्रोल होता है, राइट। तो जो टाइप वन होता है इसमें इंसुलिन बननी बंद हो जाती है। तब इंसुलिन बननी बंद होगी तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो कैसे कंट्रोल होगा, अकेले किसी भी डाइट से नहीं, अकेले किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से नहीं, दवाइयों से भी नहीं, इसका तो इंजेक्शन ही लगेगा आपको, इंसुलिन का इंजेक्शन ही लगेगा। एक बार भी लग सकता है, दिन में दो बार भी, तीन बार भी, वो तो डिपेंड करेगा कि आपका शुगर का लेवल है कितना, कहां पे मिली आपकी शुगर, 300 पे पकड़ी गई या 400 पे पकड़ी गई। जब भी आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आओगे, अगर टाइप वन आपको शुगर है, मैं बताऊंगा कि ये कैसे पता करेंगे कि टाइप वन टाइप टू का। सबसे पहले मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूं आपको, अगर आपको टाइप वन शुगर है, थोड़ा सा भी अनहेल्दी खाना शुरू करोगे, शुगर रॉकेट की तरह आपकी बढ़ेगी, एडमिट भी होना पड़ सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, किडनी में दिक्कत आ सकती है, लिवर में आ सकती है, हार्ट में आ सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो भाई साहब जिसको टाइप वन है ना, डायबिटीज जिसको, अपना ध्यान रखो पूरी तरह। और मैं बताऊंगा कौन सा टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि टाइप वन और टाइप टू और प्री डायबिटिक कैसे पता चलती है। और टाइप वन के जो मरीज हैं 8,60,000 के आसपास अपने देश के अंदर फिलहाल। इसके आगे आज आता है 1.5, ये शुगर आपने बहुत कम सुनी होगी, इसको LADA भी बोलते हैं, यानी कि लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन अडल्ट, ज्यादातर यंग को होती है। इसमें क्या होता है, कभी इंसुलिन ज्यादा बन जाती है, कभी इंसुलिन कम बन जाती है, पता ही नहीं है कितनी बनेगी, यानी कि बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, कभी का शुगर लो होगी, कभी हाई होगी। ये रिवर्सेबल नहीं है ये भी, क्योंकि जो ऑटो इम्यून वाली होती है ना, वो रिवर्सेबल नहीं होती। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं हमारी रक्षा के लिए होते हैं, तो वो पैंक्रियाज जिस जहां पे वो इंसुलिन बनती है उस ऑर्गन के ऊपर अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, उसका जो काम काज है उसमें डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी कि इंसुलिन के अंदर डिस्टर्बेंस कर देते हैं। टाइप वन में तो इंसुलिन कम हो जाती है, इसमें कभी ज्यादा कभी कम हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्व नहीं होती जल्दी से, होती नहीं सोल्व, तो इसके ये रिवर्सेबल नहीं है 1.5 भी। अब बात आई थी टाइप टू में, टाइप टू तो 90-95% लोगों को टाइप टू ही है, जो भाग के करेले का जूस, लौकी का जूस, ये नीम की पत्तियां खा ली, किसी ने भी कुछ बोल दिया भाई खा लिया, जो भी है बस खा लिया, उसको पता ही नहीं है कि भाई साहब तुझे है शुगर कौन सी, ऐसी खाते जा रहे हैं। ये रिवर्सेबल है, ध्यान से सुना, रिवर्सेबल है। रिवर्सिबल का मतलब है लाइफस्टाइल, अगर आप अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करते हो, डाइटिशियन से मिलके अपनी डाइट सेट करवाते हो, डाइट प्लान लेते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, यानी कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अपने लाइफस्टाइल में करके होड़े होड़े जो आप मेडिसिन खाते हो, दवाइयां खाते हो, वो कम होती चली जाएंगी आपकी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दवाइयां खानी छोड़ दोगे। बिना दवाई के आपकी शुगर 150 से नीचे आ जाएगी, फिर 125 से नीचे आ जाएगी, 100 से 120, 125 से 100 के बीच में अगर आपकी शुगर आ जाती है तो इसका मतलब वो रिवर्स हो चुकी है। और कंटिन्यूसली अगर आप वही लाइफस्टाइल रखते हो तो आपका शुगर ठीक रहेगा, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। लेकिन जब भी आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करोगे तो दोबारा फिर ये शुगर आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो शुगर खत्म नहीं होती, रिवर्स हो सकती है। अब मैं एक चीज और बताऊंगा, इनके अंदर लक्षण बताऊंगा आपको। देखो पहले जमाने की बात सुनो, पहले जमाने में क्या करते थे, पहले जमाने में, आज तो अगर टॉयलेट वगैरह है, पहले जमाने में बाहर पेशाब कर देते थे, जैसे बच्चे ने पेशाब कर दिया, बूढ़े ने पेशाब कर दिया, ऐसे करते थे ना घर में, इधर कोने में चींटियां आ जाती थी, उसे पता चल जाता था कि हाँ कि इसको शुगर हो सकती है, क्योंकि चींटियां मीठे पे ही आएंगी ना, राइट। ऐसा ही है कई बार, यहां गर्दन में देखना, यहां पे यहीं पे बस ब्लैकनेस हो जाएगी, काला काला सा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गर्दन काली हो जाएगी एकदम, एक यहां पे कुछ हिस्से में। तो अगर किसी को ऐसा दिखाई दे उसको भी शुगर हो सकती है। लेकिन जो आज का जो तरीका है वो तो एडवांस है ना, बिल्कुल आज तो हम टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। अब देखो एक चीज और बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा सबसे पहले। जब ब्लड के अंदर शुगर 180 से ऊपर चली जाती है तो वो शुगर पेशाब में आना शुरू हो जाती है। जो वो शुगर पेशाब में 180 शुगर आ जाती है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस पेशाब को बाहर निकालने की कोशिश करेगी, यानी कि बॉडी के अंदर जो तय लिमिट के अंदर जितनी शुगर है उससे ज्यादा होएगी तो बॉडी उसको बाहर निकालेगी, शुगर को तो बाहर निकालेगी तो पेशाब आएगा बार बार। जो पेशाब आता है वो शुगर को बाहर निकालने के लिए आता है बार बार। जब आप पेशाब करोगे आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, गला सूखेगा, पीरा पानी पियोगे, आपके अंदर शुगर है, थोड़ी देर के बाद फिर पेशाब करने के लिए जाओगे, तो ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ऐसा करने से आपके अंदर थकावट भी तो आएगी ना, जब बार बार पेशाब करने के लिए जाओगे, बार बार आप रिहाइड्रेट हो गए पानी पी के, फिर डिहाइड्रेट हो जाओगे पेशाब करके, फिर पानी पी के रिहाइड्रेट हो गए, फिर पेशाब करके डिहाइड्रेट हो जाओगे, यानी बॉडी अपना फंक्शन क्या करने लग रही है, शुगर को बाहर निकाल रही, पेशाब को नहीं शुगर को, लेकिन पेशाब भी निकल रहा है और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होती हैं जो आपकी बॉडी को चार्ज करके रखते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वो भी निकल रहे हैं। इसी करके आपके अंदर फिर थकावट आनी शुरू हो जाएगी, बार बार पेशाब करोगे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर आने लग जाएगी थकावट। ये तो हो गए इसके लक्षण, कोई भी शुगर के लक्षण ऐसे होते हैं। अब सुनो कैसे पता करें कि आपको कौन सी प्रकार की शुगर है, राइट। एक टेस्ट होता है जिसका नाम है इंसुलिन, जो मैंने अभी जिक्र उठाया था। अगर इंसुलिन का लेवल कम आता है नीचे की तरफ तो ये टाइप वन है। अगर आपने नहीं पता किया आज तक तो इंसुलिन टेस्ट जरूर करवाना, ज्यादा महंगा नहीं होता, 500-600 रुपए का ही होता है। आगे शुगर चेक करा तो इंसुलिन जरूर चेक करवाना, उससे पता चलेगा। अगर लो आता है तो इसका मतलब आपको टाइप वन है, यानी कि जिंदगी में कोई दवाई काम नहीं करेगी, इंसुलिन लगानी पड़ेगी सिर्फ। आप करेले घिया तोरी के चक्कर में घूमोगे गड़बड़ हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी रॉकेट की तरह, किडनी लीवर हार्ट खत्म, कोई फायदा नहीं, किसकी बहकावे में नहीं आना आपने। इंसुलिन टेस्ट कराओ पता चल जाएगा। अगर इंसुलिन ज्यादा मात्रा में चली गई तो टाइप टू। अब एक सवाल उठेगा कि इंसुलिन ज्यादा है तो शुगर कम होनी चाहिए, नहीं, रेसिस्टेंट बोलते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस डायबिटिक टू में होती है, टाइप टू में। ये क्या चीज होती है रेसिस्टेंस, यानी कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, कोई हथियार है आपके पास और वो काम का नहीं है, हम उसे क्या बोलेंगे, बेकार है। तो ऐसे ही है ना, तो ऐसे ही शरीर के अंदर इंसुलिन तो बनती है लेकिन वो बेकार होती है, उसका कोई काम नहीं होता उसके अंदर, वो फ्रेंडली हो जाती है, वो तैरती रहती ब्लड के अंदर, और पीछे जो पैंक्रियाज है ऑर्गन वो ज्यादा से ज्यादा बनाता रहता है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो
रेसिस्टेंस। उदाहरण एक और देता हूं, जैसे आप कोई भी डॉक्टर आपको दवाई देता है एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोई इंफेक्शन होता है एंटीबायोटिक देता है, 5 दिन की दवाई देता है, वो सवेरे शाम खाओ, राइट। ज्यादातर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो तो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली 5 दिन की देता है वो एंटीबायोटिक। एक बार उसका कोर्स हो चुका है आपका, होने के बाद वो दवाई 3 महीने तक काम नहीं करेगी, इस बात को याद रखना, वो दवाई 3 महीने तक काम नहीं करेगी। इसी को बोलते हैं कि रेसिस्टेंस, यानी कि वो दवाई रेसिस्टेंस हो चुकी है, यानी कि उस दवाई का जो प्रभाव वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही टाइप 2 में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है, यानी उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब उसका प्रभाव जब खत्म हो चुका है तो आपकी शुगर कम थोड़ी ना होगी, इंसुलिन तो ऐसी तैरती रहेगी ब्लड के अंदर, वो शुगर को यूटिलाइज नहीं करेगी ना कोई काम करेगी। तो वहां से पैंक्रियाज ज्यादा बढ़ता 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 एक टाइम ऐसा आएगा वो भी हाथ खड़े कर देगा, इंसुलिन बननी बंद। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम में जाके होता है, 20-30 साल, उसके बीच में तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, किडनी लीवर हार्ट खत्म हो जाते हैं, फिर ये टाइप 1 में चेंज हो जाती है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके बारे में छोड़ दो। आप टाइप 2 को रिवर्स करो, कंट्रोल करो, इसके लिए फास्टिंग शुगर करा लो, पीपी शुगर करा लो, HbA1c टेस्ट करा लो, ये पता करने के बाद कि आपको कौन सी शुगर है, तो फिर शुगर भी तो कंट्रोल करनी है ना। टाइप तो आपको पता चल गई इंसुलिन टेस्ट करवाने से, कम होएगा टाइप 1 है, ज्यादा होएगा तो टाइप 2 है, ठीक है। प्री डायबिटिक का अगर शुगर 100 से 125 के बीच में आती तो प्री डायबिटिक हो आप, इसमें आपकी शुगर कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, राइट। इसके लिए तो आप सिंपल टेस्ट कराओगे, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी पोस्टप्रेंडियल रोटी खाने के बाद, एक HbA1c जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन बोलते हैं, वो भी टेस्ट करवा सकते हो आप, उसमें पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर निकल जाती है। तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि दवाई लेने से पहले ये पता करना जरूरी है कि आपको किस प्रकार की शुगर है, ऐसे दवाई लेना बेकार है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक के ऊपर। अगर किसी ने, जो मेरा चैनल है, कोई नए हैं जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो उसको ये अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अगली वीडियो आपको आसानी से देखने को मिले।